हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फैश की। दोस्तों, पीएनपी से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही जो प्रत्यावेदन वाले मामले में स्टूडेंट हैं उनको लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी प्रत्यावेदन वाले जो फ्रेश वाले स्टूडेंट हैं और जो बैक वाले स्टूडेंट हैं स्पेशली, उनको पता है कि उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो नहीं भरे गए। जो प्रत्यावेदन वाले स्टूडेंट, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन सभी के साथ। और अभी आपको पता है कि आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मामला जो निकला था, वहाँ पे ऑर्डर जारी किया गया था। उस ऑर्डर में साफ तौर पे बोला गया था कि 2 से 3 महीने में इनका एग्जाम करा लिया जाए। 2 से 3 महीने नहीं, 5 से 6 महीने बीत गए, उसके बाद भी कोई एग्जाम नहीं हुआ है। और साथ में जब एग्जाम का नंबर आया, तब वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो प्रत्यावेदन वाले स्टूडेंट के बिल्कुल भी नहीं भरे गए। जैसा कि आप सभी को पता है, उनका पोर्टल पर नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों उसका मामला फिर से लखनऊ आया। लखनऊ से भी यही चीज़ जारी की गई थी कि भैया जब ऑर्डर जारी कर दिया गया तो इनका एग्ज़ाम कराना है। उसको लेकर के जब एक गलती से जब एग्ज़ाम डेट शीट जब वायरल हो गई, फिलहाल वो सही थी या नहीं सही थी उसको तो बाद में बात करेंगे, और फिलहाल वो डेट शीट जो थी बिल्कुल रियल डेट शीट थी। आप पीएनपी सचिव क्या बोल रहे हैं कि उस पर भैया वो हमने कोई सी प्रकार की कोई भी डेट शीट जारी नहीं की, क्योंकि उन्होंने स्पेशली प्रत्यावेदन वाले स्टूडेंट को उसमें शामिल नहीं किया। इस वजह से अब उनको फिर से डेट शीट जारी करनी पड़ेगी, इसी वजह से उन्होंने उस डेट शीट को रोक कर रखा है। बस प्रत्यावेदन वाले स्टूडेंट जितने भी साथी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि पीएनपी से बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए, या बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकती है आप सभी के लिए आ रही है, जो कि ये है कि अतिरिक्त वाले जो हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगले 2 से 3 दिन में आप सभी का जो है सप्ताह में, यानी इसी सप्ताह में 2 से 3 दिन में आपका डीएलएड परीक्षा संबंधी पूरा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आपका इसी सप्ताह में 2 से 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। जहां आप इतने दिन से वेट करते आए हैं, बस 2 से 3 दिन आप लोग और वेट कर लीजिए, डेफिनेटली जो है आपका परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। जब आप इतना दिन से धैर्य बना के रखें तो 2 से 3 दिन और आप धैर्य बना सकते हैं, उसको लेकर के पूरा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप सभी को बिल्कुल मौका दिया जाएगा। किसी के साथ देखिए गलत नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आपको पता है। पीएनपी भी सोचिए कि इसी साथ गलत ना करें हम, क्योंकि भैया इन्होंने पीछे जो स्टूडेंट है उनको मौका दिया था, तो इस बार देने में क्या दिक्कत है। यही कोर्ट ने भी बोला था, यही जो है सीआरटी पे, अगर इनको मौका ही नहीं देना तो भैया क्यों जमा करा रहे हैं प्रत्यावेदन। प्रत्यावेदन साफ तौर मना कर दे, प्रत्यावेदन नहीं जमा किया जाएगा। आप जब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो प्रत्यावेदन क्यों जमा किया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर के लखनऊ से भी सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, और बस 2 से 3 दिन आप लोग वेट कर लीजिए। बहुत अच्छा मौका आप सभी के सामने आने वाला है और बहुत अच्छी खबर आप सभी के सामने आने वाली। बाकी जो डिटेल में आपको जो परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके और आप जो है परीक्षा का कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जाकर के विजिट करके देख लीजिएगा, उसी पे आपको परीक्षा का कार्यक्रम देखने को मिलेगा जैसे ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि बस 2 से 3 दिन आप लोग वेट कर लीजिए बस, ठीक है। बस 2 से 3 दिन बिल्कुल परेशान मत होइए, और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रखिए। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। बस 2 से 3 दिन आपको वेट करना है जितने भी प्रत्यावेदन या फ्रेश वाले स्टूडेंट हैं बस, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।